तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं लेके आया हूँ एक एचपी का प्रिंटर, और इसमें गाइस हेड का प्रॉब्लम है। इसका मॉडल थोड़ा एक बार देख लो, पता नहीं देख पाओगे नहीं, एचपी इंक टैंक वायरलेस 490, ठीक है। तो गाइस इसका प्रॉब्लम है, हेड का प्रॉब्लम है। तो गाइस आप लोग जरूर एक बार ट्राई करना, अगर आप लोग एक प्रिंटर में, एचपी का प्रिंटर में कोई हेड का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप लोगों को काम करना होगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले इसको खोलने के बाद, पता नहीं देख पाओगे नहीं, वो जो हेड होता है ना, हेड को थोड़ा बाहर निकालना होगा, ठीक है। हेड को थोड़ा बाहर निकालना होगा, मैंने पहले ही खोल कर रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। वो जो दो हेड है वो ऐसे ही बाहर निकल जाता है, बट मैंने पहले खोला था, और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हेड का इशू है, ठीक है। आप लोग सिंपली ऐसे बाहर निकाल लेना। उसके बाद देखो, ये है हेड, ठीक है, ये है कलर वाला हेड और ये है ब्लैक हेड। और इसमें एक दिक्कत होता है, वो क्या, ये इसमें देख रहे हो इंक, देख रहे हो साइड में, वो इंक गिरने के वजह से हेड में दिक्कत आता है। तो आज मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगा कि इससे कैसे बचा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी टिश्यू या कुछ भी नरम टाइप का कुछ कपड़ा लेके इसको हल्के से मुछना होगा, ठीक है, मतलब पोछना होगा हल्के से। देखो मैं कैसे पोछ रहा हूँ, थोड़ा ऐसे निकाल, मतलब पोछ लेना, कभी कभी दो तीन महीना बाद ऐसे कर लेना, ताकि क्या होता है हेड में उतना दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे डेली करते हो, मतलब सॉरी मैं डेली क्यों बोल रहा हूँ, दो तीन महीना बात करोगे तो हेड में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका प्रिंटर मस्त चलेगा, ठीक है। देखो एक कलर में मैंने पोछ लिया और ब्लैक में मैंने पोछ लिया, ठीक है। सेम ऐसे आप लोगों को करना होगा, उसके बाद आपका हेड बहुत ही अच्छे से काम करेगा, और आपका प्रिंटर का क्वालिटी भी, आपका प्रिंटर का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो गाइस देखो, मैं पहले अभी हो गया मेरा काम, मैं लगा रहा हूँ इसको। ये होता है बेसिकली हेड का प्रॉब्लम, देख रहे हो ये पर, ये जो इस साइड पे देख रहे हो पूरा इंक यहाँ पर पड़ा रहता है, और इसके वजह से दिक्कत होता है प्रिंटर में, और इसके अंदर भी आपको थोड़ा क्लीन करना होगा। देख पा रहे हो कि पता नहीं, और नीचे देख रहे हो, नीचे जो इंक रहता है उसको भी आपको साफ करना होगा, ऐसे आपको उसको साफ करना होगा नीचे। आपको ऐसे ऊपर खोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही खोला था कि और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, इसलिए जानने के लिए। आप लोग सब नीचे से भी ऐसे ही आप लोग क्लीन कर सकते हो। तो देखो मैंने पूरा क्लीन कर दिया, अब सिंपली इसको घुसाना होगा, उसके बाद आप लोगों का प्रिंटर रेडी हो गया। देखो मैं घुसा दे रहा हूँ, लो ब्लैक वाला मेरा घुस गया, अब कलर वाला मेरा घुसाने वाला हूँ। देखो लो घुस गया, अब इसको दबाने के बाद हमारा प्रिंटर हो गया रेडी। लो हो गया। तो वैसे ये काम आप लोग दो तीन महीना बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, आपका प्रिंटर मस्त चलता है, ठीक है। तो आज के लिए बात, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर देना। अगर इसका मॉडल है देख लेना, एचपी का इंक टैंक वायरलेस 490, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।